तो भाई लड़ाई शुरू हो चुकी है और यहाँ पर लड़ाई में है क्रिस्टोफर नोलन और हमारे टॉम क्रूज सर। हाँ देखो यार, गुथाई गुथाई मरी नहीं है वो सब, देखो क्लिक बेट है और ऑब्वियसली यार सब करते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो चलो टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखो यार, क्रिस्टोफर नोलन की ओपनहाइमर और हमारे टॉम क्रूज सर की मिशन इम्पॉसिबल 7, तो यार ये दोनों मूवी एक साथ रिलीज होने वाली, लेकिन दोनों की दोनों मूवी आईमैक्स में रिलीज होंगी। तो देखो ओपनहाइमर मूवी तो देखो आईमैक्स में जरूर रिलीज होगी, क्योंकि भाई क्रिस्टोफर नोलन बना रहे हैं और नोलन सर भाई अपनी हर मूवी को आईमैक्स में जरूर रिलीज करते हैं। उनको आईमैक्स को यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है। भाई इस बंदे ने ही मुझे भाई आईमैक्स से इंट्रोड्यूस किया था। मैंने यार पहली बार जब द डार्क नाइट मूवी देखी थी तो उसका एक आईमैक्स इशू आ रहा था, मैंने वो देखा भाई आईमैक्स। उस टाइम में मुझे पता चला था भाई क्या चीज है। अगर सिनेमा में इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पर आईमैक्स को ले जाने का किसी को क्रेडिट मिलता है तो भाई वो सिर्फ नोलन सर है। हाँ और मूवीज भी आई है, लेकिन अपनी हर एक मूवी को आईमैक्स में खाना कि भाई ये आईमैक्स के लिए ही बनी है, भाई ये सिर्फ नोलन सर कर सकते हैं। और सेम चीज यहाँ पर टॉम क्रूज चाहते हैं कि यार उनकी मूवी को भी एक अच्छी स्क्रीनिंग मिले आईमैक्स के अंदर, ज्यादा स्क्रीन्स मिले। बट यहाँ पर ज्यादातर स्क्रीन्स ओपनहाइमर को दे दी गई हैं, क्योंकि भाई वो मूवी एक तो आईमैक्स डिजर्व भी करती है और वो आईमैक्स कैमरे से ही ज्यादातर शूट हुई है, और प्लस क्रिस्टोफर नोलन हमेशा से ही आईमैक्स पे काम करते आए हैं और वो आईमैक्स को प्रमोट भी करते हैं ज्यादातर। तो देखो आईमैक्स जो कंपनी है उसका देखो ज्यादातर तो पलड़ा नोलन सर की तरफ भारी रहेगा, और वो है भी। बट यहाँ पर नोलन सर से हमारे टॉम क्रूज सर नाराज हैं, क्योंकि भाई उनकी मूवी को स्क्रीन नहीं मिल रही है आईमैक्स में, उनके शोज बहुत कम है। तो बाकी देखते हैं इसके बारे में और क्या खबर आगे मिलती है हमें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। It's an IMAX 70 mm film projector in the booth using the full IMAX screens and enjoy. Getting to watch parts of Oppenheimer with the man who made it himself was genuinely a dream come true, and I absolutely cannot wait for you guys to see Oppenheimer in IMAX when it hits theaters in exactly 1 month, 15 days, 17 hours, 3 minutes and 24 seconds, which makes me a little nervous, but nice to be reminded of how much we've got to do in the time we have.